नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों से मिले 2000 के नए नोट। उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा जिले के गोरी खान गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों के पास से हथियार के साथ ही हाल ही में जारी हुए 2000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गोरी खान गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने सोमवार को देर रात एक संयुक्त अभियान चलाया। रात हजारे कारण अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादी भाग न सके, इसके लिए सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। सुबह होने के साथ ही जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी क्रम में जब वह गांव की ओर बढ़ने लगे तो वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दूसरी ओर आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मंगलवार को पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। दूसरी ओर भाजपा संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लक्ष्यभेदी हमला न कहें। उन्होंने कहा कि लक्ष्यभेदी हमले पर भी गलत प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काले धन पर करारी चोट हुई है। नेता लोगों को बताएं कि यह फैसला उनके हित में है। मोदी ने कहा कि नोटबंदी अंत नहीं बल्कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी गहन और निरंतर लड़ाई की शुरुआत है और इसका लाभ गरीब लोगों और आम जनता को मिलेगा। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और सदन का कार्य स्थगित करके मध्यभोजन वाले नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग दोहराई। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर बैंकों में लाइनें तो कम हुई है लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं है। एटीएम में पैसा आता तो है लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाता है। एटीएम ज्यादातर समय खाली ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐप के माध्यम से लोगों से नोटबंदी पर राय मांगी है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय उपचुनाव में भाजपा के ज्ञान सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को हराया। भारत ने किया अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण। नोटबंदी पर कश्मीरी युवक ने लिखा मोदी को खत, फैसले की सराहना की। स्विस बैंक में अमरिंदर सिंह का धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को बताया बेईमान और धूर्त। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।